जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे शुक्र प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में और क्या है इसकी व्रत कथा। कहा जाता है शुक्र प्रदोष व्रत करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और सौभाग्य का वरदान मिलता है। कुछ लोग आज 14 तारीख को शुक्र प्रदोष व्रत कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में ही की जाती है। यह प्रदोष काल सूर्य अस्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। सुन लेते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे, लेकिन धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, गोना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करवाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुँच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई, यानी शुक्र प्रदोष के महामात्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। शुक्र प्रदोष वाले दिन इस कथा को सुने अथवा सुनाएं तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिवजी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें, उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास महत्व माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब